नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीनों से भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनाव के बाद अब ड्रैगन एक बार फिर से भारतीय सीमा पर हलचल तेज कर रहा है। खबर है कि चीन पश्चिमी सीमा पर हवाई ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन पश्चिमी सीमा पर अपनी हवाई ताकत को ऐसे समय में मजबूत कर रहा है जब सीमा पर भारत के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच चुका है। गुप्त जानकारी के मुताबिक चीन अपने हवाई ठिकानों पर घातक मिसाइलों से लेकर परमाणु बॉम्बर्स तक तैनात कर रहा है। चंडीगढ़ में पंजाब शिक्षा मंत्री और अध्यापकों की बैठक हुई। शिक्षा मंत्री ने पंजाब भवन में अध्यापकों के साथ मीटिंग रखी और उनकी मांगों को सुना। वहीं स्थायी अध्यापकों ने स्थायी अध्यापक बनाए जाने की मांग रखी और सैलरी को लेकर भी अपनी समस्याओं को शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा। आपको बता दें कि मोहाली में अस्थायी अध्यापकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को मोहाली फेज 8 स्थित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में शिक्षा सचिव कार्यालय का घेराव किया गया था। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर जाने वाले 127 सिख श्रद्धालुओं का जत्था इस बार भी पाकिस्तान नहीं जा सकेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार ने गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर पाकिस्तान जाने वाले जत्थे को स्वीकृति नहीं दी थी। एसजीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने कोरोना के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए एसजीपीसी के जत्थे को पाक आने की स्वीकृति नहीं दी है। देश में भले ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही हो, लेकिन संकट अभी भी कम नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों में एक्टिव मरीजों की संख्या परेशानी का कारण बनी हुई है। कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच अभी भी 4 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। देश में कुल एक्टिव केस के आधे मरीज इन राज्यों से हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। देश के 4 राज्यों में अब भी एक्टिव केस 1 लाख के पार जा पहुंचे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उभरते हुए महाराष्ट्र में फिर मामलों में इजाफा देखा गया है। 24 घंटे में राज्य में संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मुंबई में भी बीते 2 दिनों की तुलना में करीब 50% बढ़त हुई है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गए हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य के अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ बैठक की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां अब तक 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला नहीं किया गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की स्थिति के बीच सीबीएसई और सीआईएससीए की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कराने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने 10 राज्यों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में पुलिस ने एक मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले में कथित रूप से शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि हमले में शामिल जिन 5 लोगों को वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट जमीन विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री भी ताबड़तोड़ पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। इस बीच तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें ट्रस्ट में बीजेपी का विरोध करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी का राजनीतिक विवाद एक नए मोड़ पर तब पहुंचेगा जब दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के लिए मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया के बाद 3 बजे के बाद पारस गुट की तरफ से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। इस चुनाव प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पारस गुट की तरफ से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए गए सूरजभान सिंह के आवास पर हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पशुपति कुमार पारस शाम 5 बजे पटना स्थित लोजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। बेंगलुरु में पिछले साल हुए दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 115 आरोपियों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। यह दंगे पुलकेशी नगर के विधायक आर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार द्वारा फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट के बाद भड़के थे। इस दौरान भीड़ ने पुलिस स्टेशन और मूर्ति के घर को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने बेंगलुरु दंगे में शामिल होने के शक में यूएपीए के तहत सैकड़ों लोगों को पकड़ा था। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।